अच्छा, 6 महीने में आपने 25 बटन कंप्लीट अचीव किए। जी, हर कोई जानना चाहता है कि आखिर आप किस चैनल से कितना पैसा कमाए, एंड जो आपका हाईएस्ट अर्निंग वाला चैनल है उसका आपको प्रूफ भी दिखा दो। तो आज के जो हमारे गेस्ट होने वाले हैं वो स्पेशल होने वाले हैं, बिकॉज उनके पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 25 प्ले बटन है। कैसे? उन्होंने आज तक अपना फेस भी नहीं दिखाया यूट्यूब पर। 25 प्ले बटन अभी के टाइम में उनके पास है, 8 गोल्डन प्ले बटन। तो सोचो पैसा कितना कमा रहे होंगे। आज की इस वीडियो को मिस मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो शुरू करते हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है रिधान चौधरी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल जुन्नू की टेक में। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच आपके चैनल पे इनवाइट करने के लिए। तो आज मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, बिकॉज हमारे पास खुद आज तक 2 प्ले बटन है और आप 25 प्ले बटन लेकर बैठे हो जिसमें 8 गोल्डन प्ले बटन है। तो आप रेडी हो जवाब देने के लिए? बिल्कुल भाई, आपकी जितने इच्छा है उतने सवाल पूछो। सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि आपको YouTube के बारे में कब पता चला, कब आपने स्टार्टिंग की थी? आई गेस 2016 की जब जियो आया था और मैं 10th क्लास में था, और उस टाइम पे मुझे, मैं दूसरे लोगों का देखना स्टार्ट किया था, लाइक कि टेक्निकल गुरुजी को देखना स्टार्ट किया था और भी लोगों को देखना स्टार्ट किया था। और सबसे बड़ी कमी ये थी ना कि गांव में आप जानते हो कि इंटरनेट वगैरह की ज्यादा सुविधा नहीं रहती है, ना किसी के पास अच्छा मोबाइल रहता है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी का मोबाइल लेके मेरे को वहां से पता चला कि यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म है और वहां पे अपन वीडियोज अपलोड करके कुछ अर्निंग भी कर सकते हैं। तो अभी के टाइम में आपके पास 25 प्ले बटन है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो पहला प्ले बटन है, सिल्वर प्ले बटन, वो कब आया था? आप मानेंगे नहीं, मुझे खुद का तो छोड़ो, किसी दूसरे का भी मैं कभी आंखों से देख ही नहीं पाया था कि कभी मेरे पास भी प्ले बटन हो। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उस दिन मेरे हाथ में एक नहीं बल्कि 2 प्ले बटन थे। तो वो दिन कौन सा था और आपका रिएक्शन उस टाइम कैसा था? वो दिन पिछले साल जुलाई का था, और वो भी ज्यादा दिन की मेरी मेहनत थी नहीं, क्योंकि पहले मैंने इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया नहीं था। मैं लॉन्ग वीडियोज पे ज्यादा ध्यान दे रहा था कि लॉन्ग वीडियोज अपलोड करूं जिससे मेरा चैनल ग्रो होगा, और एक मेरा चैनल ग्रो हुआ भी था, उस पे 100 के सब्सक्राइबर हुए थे। लेकिन उसका पता नहीं क्यों मेरे को ना उसका प्ले बटन नहीं मिला था। मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस भी देखी कि कहीं ना कहीं से उसे जुगाड़ हो जाए, कुछ ना कुछ करके YouTube टीम से बात करके जुगाड़ हो जाए कि भाई मेरा प्ले बटन दे दो, लेकिन YouTube टीम ने साफ मना कर दिया था कि हम आपका प्ले बटन इश्यू नहीं कर सकते। उसके बाद में जो मैंने काम करना स्टार्ट किया था उसकी बदौलत मेरे को एक ही दिन में मेरे को सिल्वर और गोल्ड दोनों प्ले बटन एक साथ में डिलीवर हुए। और उस दिन जो मेरी हालत थी ना भाई, लिटरली मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे हाथ कांप रहे थे उनको पकड़ने से पहले। ओके, तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ, देखो इतना अचीवमेंट आपने कर लिया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आप कंटेंट क्या क्रिएट करते हो, आप क्या कंटेंट बनाते हो? मैंने तो आपको कभी फेस देखा नहीं आपका यूट्यूब पर, तो आप क्या कंटेंट बनाते हो जिससे आपने इतना बड़ा अचीवमेंट कर लिया? देखो सबसे बड़ी चीज, मैंने आप कंटेंट की बात करोगे ना, आपने कभी मेरा फेस देखा होगा ना आपकी ऑडियंस ने देखा होगा। बहुत सारे लोग ना मेरे को अलग अलग वे में जानते हैं। मैंने सबसे पहले यूट्यूब करना स्टार्ट किया, लेकिन यूट्यूब मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आया, क्योंकि आप जानते हो कि यूट्यूब से लॉन्ग वीडियो से यदि आपकी वीडियो पे ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे तो आप कितना अर्न कर सकते हैं। लेकिन YouTube से अर्निंग के पहले पीछे पड़ा रहा है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अर्निंग हो, लेकिन YouTube ने मेरे को कुछ भी मतलब रिटर्न निकल के नहीं आ रहा था। मैं टाइम दे रहा था अपना, अच्छा खासा टाइम दे रहा था, मैंने कम से कम YouTube पे 150-200 वीडियो अपलोड कर दी, फिर भी मेरा एक भी पेमेंट तक नहीं आया था। हाँ, चैनल मोनेटाइज हो गया था, मैंने बड़े बड़े स्ट्रीमर्स की हाईलाइट्स वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करी थी, मेरे चैनल पे 10-12 हजार सब्सक्राइबर भी हो गए थे, लेकिन फिर भी कुछ भी वहां से रिटर्न निकल के कुछ भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था। और उसी की वजह से एक आदमी का टाइम होता है कि वो जब तक कर रहा है तब तक कर रहा है, लेकिन जब वहां से रिटर्न नहीं निकल के आता तो हम स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं चीजों को। आपने इतने सारे प्ले बटन, जी जी, तो ये सारे के सारे शॉर्ट चैनल के हैं या फिर मैं आपको कंटेंट क्या क्रिएट करते हैं? आपको देखो एक चीज, जहां तक मेरे को लग रहा है कि आप अकेले तो सारा काम नहीं करते होंगे। जी जी बिल्कुल, एक साथ में एक इंसान के लिए इतने सारे यूट्यूब चैनल्स को ग्रो करना या फिर इतने प्ले बटन एक साथ में पॉसिबल नहीं है, इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है, बाकी का मैं कह नहीं सकता। और हाँ, यही चीज हमारे साथ भी हुई थी कि हमारा एक भी प्ले बटन नहीं आया था। देन मेरा एक छोटा सा प्लेटफॉर्म दूसरा है अकाउंट मार्ट के नाम से, जो मैं 2018 से रन कर रहा हूँ। जब से मैंने यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियोज अपलोड करके जब मैं थक गया था कि भाई अब मेरे बस का नहीं है, तब से मैंने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था जिसपे मैंने यूट्यूब चैनल्स में ट्रेड करना स्टार्ट किया था। हम यूट्यूब चैनल्स को बाय सेल करते थे, हम BGMI अकाउंट्स को बाय सेल करते थे, वहां से हमें कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो गया था। और उसकी वजह से मैं यूट्यूब को पूरा स्किप कर चुका था, क्योंकि वहां पे मैं अपने पेट जमाने लग गया था कि अब मेरा यहां से काम चल जाएगा। मैंने 2020 की बात आई गई जहां पे मैंने अपनी कॉलेज जो मैं बीटेक कर रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स से, मैंने वो भी ड्रॉप कर दिया था इस चीज के लिए। कोई मिलियन वाला चैनल है आपके पास सेल होने के लिए आता है,
तो आप उनको आगे सेल करवाते हो। हाँ जी, आज ना एक मार्केट प्लेस हमने बना रखा है और अभी फिलहाल मैंने अकाउंट मार्ट को एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी रजिस्टर करवा लिया है। वहां पे जो सेल होने के लिए जो चैनल आ रहे थे वहां से मेरे को एक अच्छा आइडिया लग गया था कि अपन इसमें फ्यूचर में कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में अभी तो कोई भी ऐसा स्टेबल प्लेटफॉर्म नहीं है। 2022 का एक ऐसा टाइम था जहां पे हर एक छोटा छोटा शॉर्ट क्रिएटर जो एक महीने पहले अपना चैनल बना रहा है और अभी हमारे पास सेल के लिए लेके आ रहा है। Okay. तो मेरे को वहां से एक आइडिया लग गया था कि भाई शॉर्ट वीडियोस के चैनल आज के टाइम पे जो किस टाइप के चैनल आए कि सबसे ज्यादा जो चैनल ग्रो हुए थे पिछले साल में वो हुए थे फेक्ट वीडियोस के, जिसपे करना कुछ नहीं रहता था, दूसरों के वीडियोस उठाओ उसके ऊपर अपना वॉइस ओवर करो और वीडियो को अपलोड कर दो। आप मानेंगे नहीं, मेरे खुद के ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनल्स है, मैंने आपको बताया था कि हम मोर देन 25 यूट्यूब चैनल्स रन कर चुके हैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियोस वाले। तो आपने कैसे बिल्ड करा? इसके लिए ना सबसे जो बड़ी हेल्प मेरे को मिली वो मिली मेरे जो पास्ट का एक्सपीरियंस था उससे। हमारे पास यदि कोई चैनल सेल करने के लिए आ रहा है, देखो जुनू भाई ये चीज मैंने आज तक कहीं पे भी रिवील नहीं करी है, फर्स्ट टाइम आपके चैनल पे मैं रिवील कर रहा हूं, ठीक है। जैसे कि आप मेरे पास अपना YouTube चैनल सेल करने के लिए लेके आते हो क्योंकि आपको पैसे की कुछ मजबूरी रही होगी, इसी वजह से कोई अपना YouTube चैनल सेल करता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अंडर 18 वाले भी बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे लोग थे हमारे पास में जो अपना चैनल सेल करने के लिए लेके आए। मैंने उनसे रीजन पूछा, आपका रीजन क्या सेल करने का? वो बोले भाई हमारा ये रीजन है, आप हमें इतना इतने में सेल करवा दो। हमने उनका चैनल सेल करवाया, फिर उनको ऑफर किया कि क्या आप हमारी टीम में हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहोगे। ऑब्वियस सी बात है, जिसको अपने चैनल से कुछ भी नहीं मिल रहा है क्योंकि शॉर्ट्स वीडियोस से शॉर्ट फंड क्लेम करना एक बहुत बड़ा एक टास्क था कि एक किसी भी शॉर्ट्स वाले चैनल से जब तक 1-2 लाख 5 लाख सब्सक्राइबर नहीं हो जाए तब तक शॉर्ट फंड नहीं मिलता था। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जितने मैंने चैनल्स रन करे हैं। इसी वजह से जो शॉर्ट क्रिएटर है वो हमारे साथ जुड़ते थे, उनको मैं नया चैनल बनाने के लिए बोलता कि आप ही चैनल बनाओ लेकिन उस चैनल पे काम आप हमारे लिए करोगे, आपको मैं मंथली पे करूंगा, साथ में जो शॉर्ट फंड आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उन्हीं से उन्हीं के नॉलेज से वो चैनल्स ग्रो हुए और उन्हीं की वजह से उनको भी अच्छा रेवेन्यू जनरेट हुआ। और मेरा टारगेट था इंडिया में सबसे ज्यादा यूट्यूब प्ले बटन्स लेने का और वो टारगेट मैंने पूरा किया जस्ट ओनली 6 महीने में। तो आपने इतना कुछ अचीव किया। अब देखो हर कोई जानना चाहता है कि आखिर आप किस चैनल से कितना पैसा कमाए, एंड जो आपका हाईएस्ट अर्निंग वाला चैनल है उसका आपको प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा। यूट्यूब से जितना मेरे को जितना मैं निकाल सकता हूँ ना उतना मैंने निकाला था। तो एक यूट्यूब चैनल था मेरा जिसपे लाइक कि क्रिकेट से रिलेटेड हम वीडियोस डालते थे और उस वाले चैनल से ऑलमोस्ट $74,000 हमने रेवेन्यू जनरेट करा था। और उस पे टोटल बिलियन में व्यूज थे? बिलियन में नहीं थे, ओनली लाइक कि समथिंग 400 मिलियन समथिंग कुछ उस पे व्यूज थे आई गेस, जहां तक मैंने देखा है। एनालिटिक्स आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, बेशक आप अपने वीडियो में लगा दीजिएगा। ओके ओके जी। तो गाइस आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, अगर कोई अभी के टाइम में ये करना चाहे कि क्रिकेट के वीडियोस कहीं से डाउनलोड किए, कहीं से भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया और उसके बाद वॉइस ओवर करके, क्या वो यूट्यूब पर अपलोड करके पैसा कमा सकता है लॉन्ग टर्म तक? बिल्कुल, क्यों नहीं कमा सकते, बहुत लोग कर भी रहे ना आज के टाइम में। आप देखेंगे ना तो लाइक ये शॉर्ट्स वीडियो से रेवेन्यू जनरेट करना इतना आसान नहीं है। बेशक आप फॉलोवर अपने सब्सक्राइबर इंक्रीज जरूर से कर लेंगे, आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा, लेकिन इतना रेवेन्यू जनरेट करना इतना आसान नहीं है। वो होता है या तो आप लाइव वीडियोस करो या फिर आप लॉन्ग वीडियोस अपलोड करो। मेरा टारगेट था ऑलमोस्ट लाइव वीडियोस और उसी की बदौलत $74,000 का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो आज के टाइम एक बहुत बड़ा नंबर है यूट्यूबर्स के लिए जो नए हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कोई एक ऐसे चैनल का आइडिया दो, आपको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिसको बंदा जल्दी से जल्दी ग्रो कर सके और अच्छा खासा स्पॉन्सरशिप से भी पैसा कमा सके। लाइक कि ना मैं बहुत सारे चैनल को जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है ना उसमें लाइक कि शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं और उसमें छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते हैं, पता उनको सबसे ज्यादा देखने वाले वो है, क्योंकि उनमें ना आप स्टार्टिंग में वीडियो में क्यूरियोसिटी एक जनरेट कर देते हो कि इस वीडियो में होने वाला है क्या, और उसकी वजह से आपको एक अच्छा ऑडियंस रिटेंशन मिलता है जिसकी वजह से आपकी वीडियो शॉर्ट में बहुत कम स्वाइप होगी, मतलब लोग उसको ऑलमोस्ट उसका जो स्वाइप का रेशियो रहता है वो 85-15% रहता है, 15% ऐसे लोग होंगे जो स्वाइप करेंगे जो मैंने देखा है। और एक चैनल की एनालिटिक्स जो हमारे ही टीममेट का है वो भी मैं आपको उसकी भी एनालिटिक्स आपको साथ में शेयर कर दूंगा, ऑलमोस्ट 12 मिलियन सब्सक्राइबर है। थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है कि अपने को कंटेंट बनाना क्या एक्चुअल में। तो गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी कुछ इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट करो, लाइक कोई एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो उठा लो और उसको रियल में करके दिखाओ, लोग उसको देखना पसंद करते हैं, मिलियंस ऑफ आपको व्यूज मिलते हैं, गारंटेड आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलेंगे। तो आपकी टीम में अभी काफी सारे बंदे काम कर रहे हैं, तो आप कितना जनरेट कर लेते हो, मंथली इनकम आपका कितना हो जाता है? ईयरली को छोड़ो आप मंथली बता दो, और खर्चे भी बहुत ज्यादा होंगे, टीम मेंबर की सैलरी जाती होगी, तो कितना आप बना लेते हो? देखो मैंने आपको बताया था कि अभी मैं यूट्यूबर से ज्यादा बिजनेस पे ज्यादा फोकस करता हूँ और वो बिजनेस भी मेरा यूट्यूब से ही है।
जी मैं अपना जो भी जितना भी मेरा कस्टमर्स का बेस है या फिर हम जितने भी कस्टमर लेके आते हैं वो सारे के सारे यूट्यूब से आते हैं, साथ में इंस्टाग्राम से आते हैं। तो अभी के टाइम पे मैं एग्जैक्ट नंबर तो शेयर नहीं करूंगा, और वो इसलिए नहीं करूंगा कि यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ है, क्योंकि वो आरबीआई की गाइडलाइन के खिलाफ है। पता चले मेरे ही दरवाजे पे बाहर से रेड पड़ रही है। फिर भी आप आइडिया दे दो। वैसे भी आजकल यूट्यूबर्स पर रेड पड़ रही है जो अपना अर्निंग वर्निंग दिखाते हैं, हाँ जी लेकिन फिर भी एक आइडिया दे दो मोटिवेशन के लिए। देखो आइडिया के लिए ना, मैं एक जो अभी नई जो थार आई है ना मार्केट में पेट्रोल में 2x4, यस यस हाँ जी, वो हाँ हर महीने के ले सकता हूँ अपने बिजनेस और यूट्यूब दोनों से कंबाइन। वाह हाँ जी वाह। तो गाइज सुना आपने, देखो सब कुछ पॉसिबल है। मैं यहाँ से क्या सीखा, देखो आपको मैं एक बार बताता हूँ, जब तक आपको YouTube के बारे में पता ही नहीं होगा, जब तक आप YouTube के बारे में सीखोगे ही नहीं, तो तब तक आप अपने चैनल को ग्रो भी नहीं कर पाओगे, और ये सच बात है बिल्कुल। तो पहले YouTube को समझो, आखिर YouTube है क्या, समझ रहे हो ना, लोग किस तरीके का कॉन्टेंट जल्दी ग्रो कर लेते हैं, किस तरीके का कॉन्टेंट बनाना चाहिए, तो उसके बाद आप खुद अपने चैनल को बूस्ट कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने भाई बहुत सही बात कही है कि कम से कम पहले आप अपने आप को उस चीज के लिए प्रिपेयर करो कि आपको यूट्यूब पे करना क्या है। आप उस चीज को कम से कम समझना स्टार्ट करो कि आप यूट्यूब पे करना क्या चाह रहे हो। ऐसे ही नहीं कि किसी को देखा, आपने किसी बड़े बिल्कुल इन्फ्लुएंसर को देखा और डायरेक्ट आपने स्टार्ट कर दिया। वो आप चीज कर तो लोगे लेकिन उसको ज्यादा टाइम तक या फिर सक्सेसफुली कभी भी उसको चैनल को ग्रो नहीं कर पाओगे। हाँ, होता क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि यार उस वाले कंटेंट पे ज्यादा व्यूज मिलने, चलो अब उस पे लग जाते हैं, अरे यार इसमें मजा नहीं यार, अब दूसरे पे लग जाते हैं। तो बार बार मत चेंज करो अपना कैटेगरी, एक चीज को पकड़ो और उस पे ही काम करो, 100% आपको ग्रोथ अभी मिलेगी। वही चीज बता रहा हूँ जुन्नू भाई, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैंने एक क्रिकेट की जो वीडियोस थी उससे मैंने एक चैनल को ग्रो करके उससे मैंने $74,000 का रेवेन्यू जनरेट किया। तो पता है अब लोग क्या करेंगे, सबके सब लोग जाएंगे जब भी क्रिकेट का कोई भी इवेंट आएगा ना उस पर वही चीजें करना स्टार्ट कर देंगे। वो चीज नहीं करनी है, ये चीज एक टाइम तक ही सही लगती है क्योंकि उस चैनल से आज के टाइम पे मैं रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो एक टाइम पीरियड था वहां तक सही रहा, वहां तक सही चला, मेरी स्ट्रेटेजी काम करी, उसके बाद काम नहीं कर रही है। तो आपको यदि किसी लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए किसी चैनल को स्टार्ट करना, तो उसके लिए सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करो, सबसे पहले सारी चीजें आप देखो कि चल क्या रहा है एक्चुअल में। तो रिधान भाई आपने काफी कुछ शेयर किया, अब लास्ट में एंड में क्या कहना चाहोगे आप हमारी ऑडियंस के लिए, जिनका चैनल ग्रो नहीं हो पा रहा, काफी टाइम से लगे हुए हैं, आप तो 25 पले बटन लेकर बैठे हो। देखो भाई आपकी ऑडियंस का ही प्यार है, किसी ने हमारी वीडियोस भी देखी होगी वो अलग बात है कि हमने फेस नहीं दिखाया। सबसे बड़ी बात मैं जुन्नू भाई लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा कि जो लोग कंफर्टेबल नहीं है अपना फेस दिखाने के लिए, तो कोई जरूरत नहीं कि आप अपना फेस दिखाओ ही। आपने ये तो प्रूफ कर दिया कि बिना फेस दिखाए भी बंदा यूट्यूब पर ग्रो कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। 25 पले बटन, आपने फेस नहीं देखा तो कोई छोटी बात नहीं है ये, तो विदाउट फेस भी आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, फेस दिखाना जरूरी नहीं है आज के टाइम पे ना। ऑडियंस पहले क्या होता था कि फेस नहीं दिखाया तो ना क्रिएटर की पहचान नहीं बनती थी, लेकिन आज आप टोटल गेमिंग को देख लीजिए, अभी तक तो उन्होंने अपना फेस रिवील नहीं किया लेकिन फिर भी एक अच्छी वैल्यू बना रखी है। तो सबसे पहले आप लोग डिसाइड कर लो आपको करना क्या है, सेकंड थिंग आपको किस वे में करना है। आप यूट्यूब को पैसे के लिए कर रहे हो या फिर आप यूट्यूब को अपना एक बेस बनाने के लिए कर रहे हो, आपको लॉन्ग टाइम के लिए करना है वो उस हिसाब से करिए। आपको यदि थोड़े टाइम के लिए करना है आप शॉर्ट्स वीडियोस बनाओ, मैं कह रहा हूं आप यदि तरीके से आपने अपना टाइम फिक्स कर लिया। मैं एक ही चीज हमेशा कहता हूं जो मेरे को पर्सनली भी कॉल करता है या फिर जो पर्सनली मैसेज करता है, भाई मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा, मैं उनको एक ही चीज कहता हूं कि आप कंटिन्यूटी मेंटेन करना स्टार्ट करो, चैनल पे कंटिन्यूअसली वीडियो अपलोड करो। आप अपना टारगेट बना लो कि मैं एक टाइम खाना नहीं खाऊंगा लेकिन मैं एक टाइम पे वीडियो जरूर अपलोड करूंगा हर दिन की। बिल्कुल, थैंक यू सो मच रिधान भाई, आपने काफी कुछ सिखा दिया हमारी ऑडियंस को भी, और बाकी तरक्की करो, 100 प्ले बटन लेकर आओ यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग बिना फेस दिखाए भी यूट्यूब से लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हो, बस आपको यूट्यूब को समझना जरूरी है। आई होप आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप समझता हूँ किसी भी इंटरेस्टिंग वीडियो तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, एंड ओके।